गाइस हेलो जी नमस्ते सत श्री अकाल आदाब क्या चल रहा है। होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजे में चल रहा है। एंड लेकर आई मैं इस बार थगेश का रोस्ट, मतलब कि थगेश को किसी ने रोस्ट नहीं किया है, थगेश जो रोस्ट करता है उसके लिए, क्योंकि मुझे टाइटल बहुत अच्छा लगा, पायल जोन एक्सपोजर्स मिथ पैट वेडिंग। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को जो है थगेश के रोस्ट कैसे लगते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली थगेश के रोस्ट बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हैं। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मुझे कॉमेंट करके बताने की और किसके वीडियोज पर रिएक्शन चाहिए है, या अगर आप लोगों का दिल करे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर डीएम भी कर सकते हो, लिंक भी शेयर कर सकते हो। तो चलते हैं हम लोग हमारे वीडियो के साइड पे एंड और भी कुछ बातें वो करेंगे वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पायल जोन, देखो मिथपैट भाई की शादी में मैं भी गया था, मुझे बहुत सारे क्रिएटर्स दिखे वहां, लेकिन जब रिसेंटली मेरे को ये वीडियो रिकमेंड हुआ, आई वेंट टू मिथपैट्स वेडिंग, मैं बोला है मैंने तो नहीं देखा। सबसे पहले मैं ही आया। अब ये मेरे और खबरेश की तरह तो है नहीं, जो सेम सेम दिखती है किसी और की तरह। ये शादी में खबरेश चला गया था। अच्छा, आज मैं एक्सेप्ट कर ही लेता। दो दिन बाद मैंने ये वीडियो देखा, मिथपैट डिमांडेड डाउरी फ्रॉम उर्मिला, मिथपैट ने दहेज मांगी उर्मिला। दोस्तों सूत्रों के हवाले से अभी अभी काफी ज्यादा बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है मिथपैट और उर्मिला के बारे में। अभी अभी इन लोगों की शादी हुई है थोड़े टाइम पहले, मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है कि आज ये वीडियो मेरे को खुद बनानी पड़ेगी, क्योंकि मिथपैट मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त है, मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इतनी ज्यादा घटिया हरकत कैसे कर सकते हैं। लेकिन मिथपैट ने ऐसी हरकत करी है तो जरूरी है आप लोगों को मैं बताऊं कि उन्होंने क्या किया है। सो गाइस बहन बिल्डअप तो ऐसा दे रही है 11 मुल्कों की पुलिस मिथपैट को ढूंढ रही है। माय नेम इज मिथपैट। मिथपैट इतना स्वीट बंदा है कि मच्छर भी सिर्फ माइनक्राफ्ट में मारता होगा। मिथपैट इतना स्वीट है कि उसको हेट कमेंट्स में भी भाई बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाली ये आता होगा। तो इधर एक दो दिन में वीडियो नहीं डालता मेरे घर के बाहर मोर्चा लग जाता है। सास गारी देवे देवर समझा देवे। एनीवेज क्या बोल रही है ये, पहले ही उर्मिला की फैमिली मिथपैट को बहुत सारे सामान दे चुकी है, अपनी तरफ से बहुत सारा गिफ्ट दे चुकी है, जो कि दहेज के नाम पे नहीं लेकिन तिलक के नाम पे, गिफ्ट्स के नाम पे दे चुकी है कि भाई हमारी तरफ से मिथपैट के लिए है। लेकिन तभी भी मिथपैट कुछ इसको कैसे मालूम कि इसकी फैमिली बहुत सामान गिफ्ट दे चुकी है, ये क्या फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में है क्या उनके? जस्ट किडिंग भाई, इसकी फैमिली इसको खुद के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं लेती रही। उर्मिला को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि भाई तुम अपने मायके से और ज्यादा चीजें मांगो, जो जैसे सामान है या फिर और ज्यादा पैसा है वो डिमांड कर रहे हैं मिथपैट लगातार उर्मिला से कि भाई ये न्यूज़ कब से दे रही, वो भी फेक न्यूज़ दास्तान मिथपैट के नाम के जरिए बता रही है। लेकिन पायल से शादी कौन है? YouTube शॉर्ट देखा था मैंने, जिसमें एक बंदा इस तरीके की बातें बोल रहा था कि मिथपैट लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, घरेलू हिंसा कर रहे हैं वो उर्मिला के साथ कि वो उर्मिला उन्हें दहेज लाकर दे, इस तरीके की बात वो अपनी वीडियो में बोल रहा था। और वो बंदा अभी तो ऐसे बोल रही थी कि खुद मिथपैट का साला पायल को घर के अपडेट दे रहा है, अभी बोल रही है कि किसी दूसरे के शॉर्ट में देखा। देखो दीदी इंटरनेट पे हर चीज को सच नहीं मानना होता, तुम खुद का भी चैनल खोल के देख लिया करो, कुछ सच नहीं है मान लेते, लेकिन उसने कोई सबूत नहीं दिखाया, वो बस अपने मुंह से बोले जा रहा है कि भाई हाँ इस तरीके की चीजें उर्मिला के साथ करी है मिथपैट ने। लेकिन भाई ये गलत है, ये दोनों लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम तक डेट किया है, उससे पहले ये लोग दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तो इन दोनों को आपस में बहुत ज्यादा भरोसा है एक दूसरे के ऊपर और बाकी सारी चीजें। तो आप लोग प्लीज इस तरीके की वीडियो मत बनाइए। कैसे टॉयलेट कर रहे हो थगेश आप? मत बनाइए भाई, किसी की बदनामी होती है ना, मिथपैट की खुद क्या कर रहे हैं पायल खुद क्लिकबेट नहीं बल्कि क्लिकबेट करने वालों को डांट रही है। शर्म करो, भगवान से डरो। मेरी लाइफ के सिर्फ दो सपने थे, एक बार बस पायल जोन के मुंह से कुछ अच्छी बात सुनूं, और अब पहला सपना पूरा हो ही गया है, तो अभी सोच रहा हूँ लंदन जाके कोहिनूर लेके आ जाओ। यार ना वीडियो क्वालिटी है ना कॉन्टेंट क्वालिटी, ऐसी वीडियो देखना इस लग अच्छी है तो टेस्ट साथ में मिलना मिल ही नहीं सकते। ऐसी सोच की वजह से बहुत लोग अनहेल्दी रह जाते हैं यार। वाव, आपके रेस्क्यू के लिए चार पीनट बटर्स लाया। पहला वेरिएंट क्रंची सुपर सीड्स, यस पीनट बटर मेड हेल्दियर विद सुपर सीड्स। अरे भाई सिर्फ पीनट बटर सब खाते हैं, हो गया वो अभी बहुत हो गया। जब ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे पीनट बटर के साथ सुपर फूड्स, इसमें है सीड्स, क्यों ये सुपर फूड है और क्यों आप मिस नहीं कर सकते? सुनो, पहले तो पीनट्स प्रोटीन रिच है, नाउ सीड्स का प्रोटीन तो है ही, बट इसमें फाइबर विटामिन मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो इसमें आपको एक होलसम न्यूट्रिशन मिलेगा। शिया पंपकिन सनफ्लावर और वाटरमेलन सीड्स है, तो सब अलग अलग क्यों खाना, ये पीनट बटर में सब मिलेगा। इसके अलावा क्रीमी सत्तू वेरिएंट भी है जो कि मस्त है, एकदम एनर्जेटिक रखता है आपको। बाकी ये 100% नेचुरल है, मतलब नो पाम ऑयल, प्रिजर्वेटिव, फ्लेवर्स, ये सब डेंजर आइटम नहीं है इसमें। ऊपर से शुगर फ्री, हाय मैं तो क्रेट मंगा रहा हूं इसका।
इसमें गुड़ जैगरी यूज करते हैं। बाकी वीगन है, ग्लूटेन फ्री और कीटो फ्रेंडली है। कहाँ थे भाई अब तक? लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर लेना। मेरा कोड यूज करो थगेश20, जिससे आपको एक्स्ट्रा 20% भी ऑफ मिलेगा इनके वेबसाइट पे, जो कि है wow.health। एंड विद एवरी वाओ ऑर्डर ये सीड पाउचेस आपको फ्री में मिलेंगे। तो अपना सीड पाउच प्लान करो एंड हैव योर प्लान बीबी, तो बी वाओ नेचुरली। तो आपके पास तो चलो आप फिर भी इस तरीके के वीडियो बनाओ, लेकिन आपके पास तो कुछ सबूत ही नहीं है, आप ऐसे ही बिना सर पैर की बातें बोल रहे हो, तो प्लीज मत बोलो। किसी को भी बुरा लगता है कोई अपने बारे में ऐसे वीडियो देखता है तो। ये जब इसे सौरव जोशी ट्रिगर्ड इंसान वाले वीडियोस बनाए थे कि दे आर नो मोर, तब तो बहुत फुल रिसर्च किया था। उर्मिल का भी बनाया है अभी रिसेंटली। किसी को बदनाम मत कीजिए प्लीज। कैसे होगा अगर पैरेंट्स अपने खुद के चैनल पे रिएक्ट करें? तगेश तुम रुक जाओ, ये गाइस मेरे घर के बाहर आए थे मेरी स्कूटी चुराने के लिए, वो तो मैंने इनको पकड़ लिया था, वरना मेरी स्कूटी चोरी हो जाती है। ठीक है, ऐसे खराब वीडियो मत बनाइए, किसी को बदनाम मत कीजिए प्लीज। बट वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, जिसका टीजर मैंने इंस्टाग्राम पर डाला था, शायद मेरे यूट्यूब के ऑडियंस ने ना देखा हो। इस प्रोजेक्ट पर मैं एक साल से मेहनत कर रहा था एंड फाइनली ये एक रियलिटी है अभी। सो गाइस प्रेजेंटिंग टू यू छोड़ो आगे देखता हूँ। ये एक्चुअली मैंने खुद भी सुनी है, एक मैंने यूट्यूब शॉर्ट देखा था जिसमें इस तरीके की बात एक बंदा बोल रहा था, और वो बोल रहा था कि भाई उर्मिला अब हमारे बीच में नहीं है, ये है वो है। ये कौन सा शॉर्ट चैनल देख रही है? ये शॉर्ट देख लिया, खुद ही का देख रही है। उसे लगता है बंदा कुछ और नहीं, पायल का छोटा भाई भाई है। आयल दीदी अब हमारे बीच में नहीं रही। भाई ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, बहन उस पे वीडियोस बना रही है, सबका काम चल रहा है, घर चल रहा है। और भाई मितपेट की शादी हुई, उसने खुद ने इतने वीडियोस नहीं बनाए, इतने इसने बनाए। आई वेंट टू मितपेट वेडिंग, उनकी शादी हो रही है तो मेरे को भी इनवाइट किया गया है, क्योंकि मेरी काफी लंबे टाइम से बात हो रही है, मतलब मितपेट से और उर्मिला से भी मेरी बातचीत हो रही है। हाँ, गाली खा रही है काफी लंबे टाइम से। साफ सफाई करने बुलाया क्या? सुहानी दिखी, और देखो भाई मेरे को देखिए क्या इशारे कर रही है। मेरे को लग रहा है सुहानी का प्लान है कि अब वो मेरा भी माइंड रीड करने वाली है। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। मेरे पास ही ऑफ कोर्स जो भी शादी में पायल जून को देखेगा उसके ही पीछे जाएगा ना, पुराने हिसाब जो क्लियर करने। सबको मार तो चुकी है, सुहानी ने भी सोचा होगा, माइंड रीड कर लेती हूँ इसका, मालूम पड़ जाएगा अगला किसको मारने वाली है। और अभी मैं इधर उधर देख रही थी, ड्राइंग कर रही थी, और मेरे को थगेश दिखे हैं, थगेश बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू वो खबरेज था, बट अच्छा हुआ फीचर किया, एटलीस्ट उसकी ऑडियंस को मालूम तो पड़ेगा कि हम जिंदा है यहाँ पे। अभी हम जिंदा है, आधी ऑडियंस को तो लगता है गया। फोटो खींचना वही इधर पूरे गेम में खेल रहे थे सारे लोग, सारे यूट्यूबर्स मिलके काफी एंजॉय कर रहे थे, एंड मेरे को तो किसी ने पूछा नहीं गेम खेलने के लिए, तो मैंने वहाँ पे चुपचाप अपनी वीडियो ही बना ली, क्योंकि भाई दीदी गेम तो तू खेल रही है पूरे यूट्यूब कम्युनिटी के साथ, अच्छा हुआ खेलने नहीं दिया, वरना अगर जीतती नहीं ना यूट्यूब चैनल पे खुद को मार देती और सब पे केस कर देती। स्ले पॉइंट से भी आज पहली बार मिली हूँ, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और दिल को सुकून सा मिल रहा है इनसे मिलके। ये लगता है गलती से पायल की वॉइस की जगह रोनी का आवाज डाल दिया एडिटर ने। सुकून सा मिल रहा है इनसे मिलके, और ये रहे सारे बाकी सब लोग। अरे ये देखो सुहानी, साइमन को तो पायल जोन भी इज्जत नहीं दे रही। अरे राम तगेश क्या पायल ऐसा क्यों कर रही है, उसको भी क्लाउड मिलना चाहिए तेरे चैनल से। मिथपेट एंड उर्मिला गेटिंग डिवोर्स्ड।
भाई शुरुआत ही खत्म हो गया। डिसाइड कर लिया है कि ये दोनों अब अलग हो जाएंगे। यस गाइस, अब बोला शॉर्ट कोई देखा है, ये दोनों तलाक लेने वाले हैं और ये बात बिल्कुल 100% सच है कि ऐसा ये लोग करने वाले हैं। एक्चुअली हुआ ये, भाई अभी तक मिनपैट की शादी में खाए चावल डाइजेस्ट नहीं हुए और डिवोर्स भी हो रहे हैं। हुआ ये है कि जब से इनकी शादी हुई है लगातार इनके बीच में फाइट्स हो रही है, थोड़ी थोड़ी चीजों को लेकर इनकी लड़ाई हो जा रही है। मतलब क्या बताऊं मैं, ये लड़ाई तो होगी ना, इसको जो बुलाया शादी में। कोई भी सॉरी में नहीं बोल रहा है कि भाई खत्म करो, ऐसा भी कोई नहीं कर रहा है। ये लोग ये घर पे रहती है उनके, इसको सब मालूम है। Everywhere I go, I see his face. अगर आप राय पूछेंगे तो मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम और देना चाहिए। इतनी जल्दी अभी अभी इनकी शादी और अभी इन्होंने डिवोर्स का भी सोच लिया, तो मेरे हिसाब से इतना जल्दी नहीं करना चाहिए था। थोड़ा बहुत पायल दीदी, आप अपनी राय को भी अंदर ही अंदर मार देना, तो आपकी तरह जिंदा रह के कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर रही है। बट रीजन बिहाइंड मिटपैट एंड उर्मिला मैरिज इज हर प्रेगनेंसी। गाइज, मिटपैट और उनकी गर्लफ्रेंड उर्मिला ने जो शादी कर ली है एकदम से अचानक से, जो उन्होंने शादी कर लिया ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वही वजह बताने के लिए मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मैं जो मिटपैट की शादी में गई थी तो मैंने स्वेटर नहीं पहना था, जिसकी वजह से मेरे को सर्दी लग गई है और इसलिए मैं फेस क्या कर रही है दीदी, शादी में ऐसा धंधे कर रही है, काउंटर पे धंधा खत्म हो गया। देख के ऑर्डर दे, इसने लगातार 3 वीडियो में पहले यही बात बोल चुकी है, फिर उनका डिवोर्स हो गया ये भी बोला, अब बस कहानी में यही ट्विस्ट बाकी है कि पायल मिटपैट को लेके भाग जाए। रॉनी मिटपैट एंड उर्मिला फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट मी। मैंने तो कुछ गलत वीडियोस बनाई है इनके लिए, मैं वो चीज अपने आप एक्सेप्ट करती हूँ कि भाई इनकी अभी अभी शादी हुई थी लेकिन मैंने इनके ऊपर गलत वीडियोस बना दी कि भाई इन लोगों का डिवोर्स होने वाला है और उर्मिला शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी, इस तरीके की मैंने गलत वीडियोस बना दी। चलो ठीक है, लेकिन वीडियो का रिप्लाई वीडियो से भी तो दिया जा सकता था। मैंने वीडियो बनाई, अब अगर मेरे वीडियो लोग बोलते हैं ना नेकी कर और दरिया में डाल, तो सबकी नेकी करने के लिए मैं पायल को दरिया में डाल के आऊंगा पर्सनली। उसको लग रहा है उसे गलती कितनी छोटी है, अरे गलती है आपका दिमाग नहीं। पायल को लगता है कि समाज में उसके जैसे विचार रखने वाले लोग ना एग्जिस्ट करते हैं, मानता हूँ करते, तो उसको कौन बताया कि ऐसे लोग जेल में एग्जिस्ट करते। आई एम सॉरी बाबू। नमस्कार दोस्तों, अभी के टाइम पे काफी ज्यादा बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है मिटपैट की वाइफ उर्मिला के बारे में। गाइस ये खबर बहुत ज्यादा बड़ी है, तो हुआ ये है कि उर्मिला कहीं पे मिसिंग हो गई है, कुछ भी उनका पता नहीं चल रहा है कि उर्मिला। कहानी में ट्विस्ट, ये मिटपैट को नहीं उर्मिला को लेके भागी है, ये शादी में आई भी नहीं फिर भी इसको सब पता है। नियॉन मैन शर्म कर, बूफे से तेरा ध्यान हटेगा तो न्यूज दिखेगी ना तेरे को, इसको देख। अभी शादी हुई थी और अपनी शादी के बाद वो लोग हनीमून के लिए जाने वाले थे, तो वो बहुत सारी जगह का उन्होंने प्लान किया था मिटपैट और उर्मिला ने कि हम लोग साथ में बहुत सारी जगह पे जाएंगे, अलग अलग जगह पे जाकर हम हनीमून मनाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है। तो हुआ ये कि वो लोग काफी सारी जगहों पे अभी नहीं जा पाए थे, अभी वो अपनी दूसरी लोकेशन। ये मिटपैट का गलती है, सब घर वालों से पहले इसको कैसे बताने का, उर्मिला के हाथ में है ना एकदम मारेगी इसको। वो अपनी दूसरी लोकेशन पे पहुंचे थे मनाली में, और मनाली में ही ये घटना हो गई थी। मनाली की ये बात है, हुआ ये था कि जब ये लोग सोए थे रात को, तो दोनों साथ में सोए थे मिटपैट और उर्मिला, सब कुछ ठीक भी था इनके बीच में, कोई लड़ाई झगड़ा। चलो अभी दीदी कहानी सुनाने वाली है बच्चों, मुझे अभी लगने लगा है ना तारे जमीन पर ईशान के जो पापा थे ना, पहले मेरे को बुरे लगते थे, अब लग रहा है ऐसे बाप होना चाहिए। पायल जैसे बच्चों को बचपन में डिमोटिवेट कर दो ना, बड़े हो गए ऐसी हरकत ना करे, करो डिमोटिवेट। बट आई थिंक पायल जोन को ट्रीटमेंट का जरूरत है, नहीं रोस्ट ट्रीटमेंट बहुत हो गया, अभी रोस्ट से उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको मजा आ रहा है। आई थिंक ये हॉरर शो यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट वाव गाइस द वाव चुम्बेश्वरी पीनट बटर, जरूर लेना, हेल्थ एंड टेस्ट दोनों साथ में मिल रहा है, ले लो फटाफट, मेरा कोड यूज करने पे 20% ऑफ भी है। अगर आप थगे शो के लिए एक्साइटेड हो तो नीचे कमेंट में को बताओ। पहला एपिसोड तो हो गया, कौन गेस्ट है ये गेस करो, एंड चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब, यहीं पे इसी चैनल पे आएगा थगे शो। दैट्स इट, दैट्स गुड गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। थोड़ा पायल के जोन से बाहर निकलने दो यार, वही जो अभी उर्मिला के बारे में मैं पहले भी बोलने वाली थी कि जो उसने बोला है कि हाँ भाई वो अब नहीं रही, नो मोर, ये वो बहुत 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 चलो वैसे बहुत अच्छे तरीके से जो है ना थगेश ने रोस्ट किया है, लेकिन ऐसा मत बनाओ कोई मत बनाओ, ऐसे फेक मत करो यार, किसी डेथ का मत, पता नहीं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि
कई बातें तुम्हारी सच्ची हो जाती मुंह से निकली हुई है ना, तो मत, मैं बिलीव करती हूँ इन सब चीजों पर, ठीक है, ये वाली बात पे जो है। चलो, रोस्ट बहुत अच्छा था और बहुत मुश्किल से टॉलरेट किया पायल को मैंने। और जो बोलते हैं, ठीक है, रोस्टर्स की, हाँ भाई पायल जरा पागल हो चुकी है, उसको अभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता चाहे पागल बोलो या कुछ और बोलो। और ये अच्छा है कि पहले सब कुछ बोल बाल दो और फिर एंड में जो है ना माफी मांग लो और फिर बाद में बोलो कि हाँ ठीक है, वीडियो के साथ ही रिप्लाई दो, तो वीडियो वीडियो खेलते रहेंगे, है ना, ये चीज है। तो खुद का नहीं दिखता है कभी भी और दूसरों के ऊपर पॉइंट करने के लिए बहुत जल्दी आ जाते हैं, है ना। एंड चलो जी, वीडियो खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले वही, अगर आप लोगों ने एंजॉय किया है ये पागलपंती पायल की या इरिटेट हुए हो मेरे जैसे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में एंड थगेश के फैंस के साथ में भी। थगेश बहुत बेस्ट वीडियो था, ठीक है, और यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और मुझे यहाँ तक देखने के लिए रियली थैंक यू सो मच। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू, बाय बाय। 'Cause there's so many things left to